Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Niazi Stitching and Painting. तो गाइज आज मैं आपको लेयर वाला वन स्ट्रोक फ्लावर बताने वाली हूँ. तो पहले हम डार्क कलर के कपड़े पे बना रहे हैं, तो वाइट कलर से कोट कर लेते हैं. ये वाइट कोटिंग मेरी स्टूडेंट ने किया है, इसलिए ज़्यादा फिनिशिंग नहीं हो पाया है उससे, तो इसलिए मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, फिर पेंट करूँगी. मैंने यहाँ पे सेब ग्रीन कलर में गोल्डन येलो कलर मिक्स किया है, ताकि सेब ग्रीन जो है हमारा वो थोड़ा लाइट हो जाए और वो इस कलर पे अच्छा लगे. तो आइए अब हम लीफ बनाते हैं. तो लीफ बनाने के लिए पहले हमें ग्रीन कलर अप्लाई करना है, साइड से थोड़ा वाइट छोड़ देना है, पूरा फिल नहीं करना है. अब हम लीफ में स्ट्रोक दे देंगे. अब फ्लावर बनाने के लिए मैंने वाइट और पर्पल कलर को मिक्स किया है और अब उस पर अप्लाई करूँगी. तो अब हम फ्लावर में भी स्ट्रोक दे देते हैं. क्योंकि ये वन स्ट्रोक पेंटिंग है, इसलिए हम बर्ड्स में भी वन स्ट्रोक ही यूज़ करेंगे. तो बस फ्लावर के जैसे ही बर्ड्स को भी हम स्ट्रोक दे देते हैं.
तो आपने देखा गाइस, मैंने बर्ड्स 3 लेयर बनाया है और ये फ्लावर भी 2 लेयर हो चुका है। अब 3rd लेयर स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने फ्लावर 5 लेयर बनाया है। अब बीच में येलो से हम डॉट डॉट दे देते हैं। फिर रेड से भी डॉट डॉट डाल देंगे। तो गाइस, ये हमारा फ्लावर हो चुका है रेडी। बट अभी हमारा एक ही फ्लावर रेडी हुआ है, 2 और फ्लावर बचा हुआ है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इंशाल्लाह। ये मैं पिलो कवर बना रही हूँ, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी आएगा। सो आपने कितना लाइक किया मेरे इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताएँ। एंड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।